फूफा जी की तबीयत खराब थी, जो बीमार थे उनकी डेथ हो गई, जो वहाँ पे हम लोग वहीं पे थे और 12 दिन तक तो हम उधर ही थे। इसके पापा आते थे बस, रात को ही नहीं आए यहाँ पे, जो रात को ही चोरी हो गई। सारा सोना मेरा और मेरी बहन का यहीं पड़ा था, मेरी मम्मी का मकान बेचा मैंने वहाँ से, यहाँ पे ख़रीदा था, जो उसकी भी चीज़ें मेरे पास ही पड़ी थी, वो भी सारी चीज़ें लेके चले गए। सोने में उसकी झुमकी थी और मेरी झुमकी थी, मेरी चार अंगूठियाँ थी, एक मोतियों की माला में पड़ा हुआ एक सोने का लॉकेट था, एक मंगलसूत्र था, एक नथ थी, चार अंगूठियाँ थी। भैया ऐसे मेरे को अंदाज़ा नहीं है। कितने का नुकसान हो गया आपका टोटल, कितने का टोटल मामला? 4-5 तो मान के चलो अंदाजे से। पुलिस पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस वालों को बुलाया था, उन्होंने कुछ नहीं करा, पुलिस वाले तो आके देख के चले भी गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। शिकायत दे दी आपने अपनी इनको? शिकायत तो दे दी हमने। कहाँ पर मकान है आपका ये, कहाँ पर? ये तो यहीं पे हुआ ना, माकूपुरा में, आदेश नगर थाना। नाम बताओ आपका? मेरा नाम तो अंजू शर्मा है। ठीक है। और इन्होंने अभी प्लॉट लिया था, इनके मम्मी के पैसे थे, और इनके जीजाजी की मौत हो गई, वहाँ पर बाईपास रह रहे थे, कल ही रात को नहीं और रात को चोरी हो गई इनके। चोरी क्या क्या गोल्ड का, क्या क्या सामान था? चोरी में इनके 50,000 रुपये केस थे और लॉकेट और सोने की चीज़ें थी। कितने का माल हुआ? 4-5 लाख का केस समेत, 4-5 लाख का। किस जगह का, कौन सी जगह है ये? माकूपुरा टुंडी चौराया। हाँ, मुझे में दर्ज करा दिया। नाम दिनेश कुमार शर्मा।